एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ युवा सिक्सर किंग। इस युवा सिक्सर किंग से डरते हैं दुनिया के सभी गेंदबाज और मैदान पर उतरते ही कर देता है छक्कों की बरसात। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन है ये युवा सिक्सर किंग और क्यों डरते हैं इस सिक्सर किंग से दुनिया के सभी गेंदबाज और मैदान पर उतरते ही कैसे करता है छक्कों की बरसात, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल एशिया कप खेला जाना है, जिसके लिए पाकिस्तान टीम जोरों तोरों से प्रैक्टिस कर रही है। आपको बता दें कि इस साल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के हाथों में है। दरअसल पाकिस्तान की टीम इस साल एशिया कप की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, क्योंकि उसे अपने होम ग्राउंड का भी फायदा मिलने वाला है। इस साल एशिया कप में पाकिस्तान टीम कोई भी गलती नहीं करना चाहती है, क्योंकि पिछले साल एक गलती के कारण पाकिस्तान टीम को एशिया कप का खिताब श्रीलंका के हाथों गंवाना पड़ा था। इस बीच पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम में एक युवा सिक्सर किंग को शामिल करने का ऐलान कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं उस युवा सिक्सर किंग के बारे में, जिससे डरते हैं दुनिया के सभी गेंदबाज और मैदान पर उतरते ही कर देता है छक्कों की बरसात। दरअसल हम जिस युवा सिक्सर किंग की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज इफ्तिकार अहमद हैं। इफ्तिकार अहमद ने हाल ही में प्रैक्टिस मैच के दौरान एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाकर पूरे क्रिकेट जगत में कोहराम मचा दिया है, जिसको देखकर पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के लिए इफ्तिकार अहमद को पाकिस्तान टीम में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों आपके मुताबिक इफ्तिकार अहमद को एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।